Hey guys, once again welcome back to my YouTube channel Medicure Buddy. Once again I'm back with another lecture of practice of medicine, and the topic that we have for today is fever of unknown origin or pyrexia of unknown origin. ठीक है, आज के वीडियो में हम ये टॉपिक समझेंगे. बट बिफोर वी स्टार्ट डिस्कसिंग दिस टॉपिक, आज हम सबसे पहले ये जान लेते हैं दैट द लेक्चर्स दैट हैव ऑलरेडी अपलोडेड वो आप कैसे विजिट कर सकते हो, बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वर आस्किंग मी. तो ये लेक्चर्स जो मैंने प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन के अपलोड किए हैं, ऑल दोज लेक्चर्स आर अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ प्लेलिस्ट. तो आप एक बार प्लेलिस्ट सेक्शन जरूर विजिट करिएगा, आई एम श्योर यू विल फाइंड मेनी एग्जाम बेस्ड टॉपिक्स देयर. ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पाइरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन है क्या. तो पाइरेक्सिया मतलब फीवर ऑफ अननोन ओरिजिन, ये इसको डायग्नोसिस करना. अननोन ओरिजिन मतलब किसी को फीवर आ रहा है बट आपको पता नहीं है कि उसको किस वजह से फीवर आ रहा है, तो इस चीज को डायग्नोसिस करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है एज अ फिजिशियन. डेफिनेशन की अगर हम बात करें कि हम कौन से फीवर को कहेंगे दैट वो पाइरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन के अंडर आता है. सो अगर कोई पर्सन है जिसको फीवर है दैट इज ग्रेटर देन 38.3 डिग्री सेल्सियस, मतलब 101 डिग्री फारेनहाइट, और ये 3 वीक से ज्यादा में आ रहा है, इसकी कोई डायग्नोसिस नहीं हो पा रही है, इवन इफ वो पर्सन 1 वीक तक आईपीडी में इन पेशेंट इन्वेस्टिगेशन उसका हो चुका है उसके बावजूद, तो ऐसे फीवर को हम कहते हैं फीवर ऑफ अननोन ओरिजिन और पाइरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन. नाउ फीवर ऑफ अननोन ओरिजिन जो है इसको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है. पहला है क्लासिकल फीवर ऑफ अननोन ओरिजिन, दूसरा है नोजोकोमियल फीवर ऑफ अननोन ओरिजिन, तीसरा है न्यूट्रोपिनिक फीवर ऑफ अननोन ओरिजिन, एंड फोर्थ वन इज ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस एसोसिएटेड FUO. नाउ इन सब के बारे में अगर हम समझे, टाइप्स डिस्कस करें FUO के, तो क्लासिक FUO क्या है? अगर फीवर 38.3 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है 3 हफ्ते से ज्यादा के लिए, और 3 OPD और 3 IPD के, या तो 3 OPD और 3 IPD डेज के बावजूद पता नहीं किया जा पा रहा है इंटेलिजेंट इन्वेस्टिगेटिव प्रोसीजर्स के बावजूद कि वो किस वजह से आ रहा है, सो दैट कैन बी टर्म्ड एज क्लासिक FUO. नोजोकोमियल क्या है? नोजोकोमियल टर्म से ही पता चल रहा है दैट हॉस्पिटल अक्वायर्ड. तो अगर कोई पर्सन हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट ले रहा था और उसको अब 38.3 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा फीवर है, इंक्यूबेटिंग एंड इन्फेक्शन ऑन एडमिशन विथ नो डायग्नोसिस आफ्टर 3 डेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, और उसकी कोई डायग्नोसिस भी नहीं बन पा रही है, सो दैट इज नोजोकोमियल फीवर ऑफ अननोन ओरिजिन. पर्सन जब हॉस्पिटलाइज है तो ये चीज ऑब्जर्व होती है. नेक्स्ट इज न्यूट्रोपिनिक फीवर ऑफ अननोन ओरिजिन. इसमें क्या है? अगर फीवर 38.3 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है तो, और इसमें न्यूट्रोपिनिक टर्म आ रहा है, न्यूट्रोपिनिया क्या होता है? फॉल इन द न्यूट्रोफिल काउंट. तो ANC दैट इज एब्सोल्यूट न्यूट्रोफिल काउंट में जब कमी आ जाती है और वो 500 सेल्स पर मिलीमीटर क्यूब से भी कम हो जाता है इवन इन 1-2 डेज, और इसकी भी डायग्नोसिस नहीं बन पा रही है, सो दैट इज न्यूट्रोपिनिक FUO. नेक्स्ट वन इज HIV एसोसिएटेड FUO. इसमें क्या है? अगर कोई पर्सन है जो HIV पॉजिटिव है और उसको फीवर आ रहा है ग्रेटर देन 38.3 डिग्री सेल्सियस और 101 डिग्री फारेनहाइट, और वो इन्वेस्टिगेशन करा रहा है तो डायग्नोसिस नहीं मिल रही है और ये लगभग 1 महीने से आ रहा है वो, और 3 डेज एज एन इन पेशेंट पर्सन, तो या तो 4 वीक ओपीडी में या 3 दिन आईपीडी में इन्वेस्टिगेट करने के बावजूद अगर पता नहीं चल पा रहा है कि ये फीवर किस वजह से आ रहा है, सो दैट इज HIV एसोसिएटेड FUO. नाउ ये किस वजह से होता है अगर हम ये देखें, तो जो क्लासिक FUO होता है ये बेसिकली 3 कारणों की वजह से हो सकता है. कोई पर्सन है उसको कोई इन्फेक्शन हो गया हो, कोई
नियोप्लाज्म का फॉर्मेशन हो गया हो, ठीक है, ट्यूमर बन गया हो, या फिर नॉन इन्फेक्शियस इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस हो सकती है, जैसे सार्कोइडोसिस है या फिर कोलेजन वैस्कुलर डिजीज है, ऐसी डिजीजेस की वजह से अगर हो रहा है, सो दैट कैन बी क्लासिकल FUO. कुछ माइनर कैटेगरीज भी हो सकती है, जैसे किसी ड्रग की वजह से उसको बुखार आ रहा हो, ठीक है, या फिर हैबिचुअल हाइपरथर्मिया हो, कोई पर्सन हो जिसको हैबिटुएटेड हो वो फीवर के लिए, फीवरिश हो, तो ऐसा हो सकता है. नेक्स्ट वन इज नोजोकोमियल FUO. अगर एक पर्सन हॉस्पिटलाइज्ड है और उसको फीवर आ रहा है, तो हम क्या कहते हैं, दैट इज नोजोकोमियल FUO. अबाउट 50% केसेस में ये किस वजह से होता है आपको पता है? ये इन्फेक्शंस की वजह से होता है, हॉस्पिटल अक्वायर्ड इन्फेक्शंस की वजह से ये चीज देखने को मिलती है. नॉन इन्फेक्शियस कॉजेज भी हो सकते हैं कुछ कुछ, जैसे कुछ ड्रग्स की वजह से आ रहा हो फीवर, पर्सन में डीप वेन थ्रोम्बोसिस या पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो गया हो, ठीक है, कोलेसिस्टाइटिस या फिर पैनक्रियाटाइटिस का केस हो, तो उसमें भी फीवर ऑब्जर्व हो जाता है. नाउ न्यूट्रोपिनिक FUO, अगर जो न्यूट्रोफिल है, ठीक है, एब्सोल्यूट न्यूट्रोफिल काउंट ANC, उसमें कमी आ जाती है, लेस देन 100 सेल्स पर मिलीमीटर क्यूब, तो ये ज्यादातर किस वजह से होता है, ये भी ज्यादातर इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, ठीक है, अगर न्यूट्रोफिल काउंट में कमी आ रही है तो वो भी इन्फेक्शन की वजह से, और ज्यादातर आपको ध्यान में रखना है फंगल इन्फेक्शन इज द मेजर कारण और मेजर रीजन फॉर दिस. अपार्ट फ्रॉम दिस, वायरल इन्फेक्शन लाइक हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस, साइटोमेगालो वायरस की वजह से भी ऐसा हो सकता है. नेक्स्ट इज HIV एसोसिएटेड FUO, और ये किस वजह से हो सकता है, तो इंडिया में ट्यूबरक्लोसिस जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. अगर कोई पर्सन है जिसको फीवर हो रहा हो, HIV पॉजिटिव पर्सन को फीवर आ रहा हो, तो देयर आर चांसेस दैट वो ट्यूबरक्लोसिस की वजह से हो. अदर कॉजेस कैन बी क्रिप्टोकोकोसिस, न्यूमोसिस्टिक ज़ेरोवेस्की, ठीक है, इसका इन्फेक्शन हो सकता है, कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है और इसकी वजह से भी हो सकता है, या फिर किसी में लिवर एब्सेस बन गया हो. तो हमें इसका पता लगाने के लिए CD4 का अगर हम काउंट करेंगे, तो उसकी हेल्प से हम पता कर सकते हैं कि ये फीवर क्यों आ रहा है, ठीक है. अब हम देखते हैं कि अगर कोई पर्सन है, देखिए यहाँ पे टैब्यूलेटेड फॉर्म में मेंशन किया गया है, आप एग्जाम में ये टेबल बना सकते हो एंड इसे रिमेम्बर कर सकते हो, बिकॉज यहाँ पे बहुत इजिली सारी चीजें कंक्लूड कर दी गई है. अब हम डायग्नोस्टिक अप्रोच की तरफ जाए, तो हम एक डिटेल्ड हिस्ट्री लेंगे पर्सन की और उसमें क्या क्या चीजें नोट करेंगे कि उसका इम्यून स्टेटस क्या है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वह HIV इन्फेक्शन से सफर कर रहा हो, उसका ऑक्यूपेशन क्या है, वो कौन से मेडिकेशंस ले रहा है, कहाँ पे उसने ट्रैवल किया था, उसको कौन कौन सा इम्यूनाइजेशन है, ठीक है, उसका पेट से एक्सपोजर कैसा है, बाइट्स, अगर उसको किसी आर्थ्रोपोड ने बाइट किया हो तो, इसमें कोई कार्डियक अबनॉर्मेलिटी है, ठीक है, पर्सन जो है वो हाई रिस्क बिहेवियर का है या नहीं है, कोई फॉरेन बॉडीज लाइक टैम्पॉन्स या फिर कॉन्ट्रासेप्टिव तो यूज नहीं करती है फीमेल, प्रीवियस विजिट टू हॉस्पिटल फॉर ट्रॉमा, इससे पहले अगर ये हॉस्पिटल विजिट की थी तो कहीं इसको बर्न या ट्रॉमा की वजह से तो नहीं उसने विजिट किया था, ठीक है, इन्वॉल्वमेंट और एक्सपोजर टू एनी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल बायोटेररिस्ट एक्टिविटी, तो इसका कहीं और किसी एक्टिविटी में एक्सपोजर तो नहीं है. हम ये सारी चीजों के बारे में पता करते हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस, हम स्किन और सॉफ्ट टिश्यू की एग्जामिनेशन करते हैं, रैशेज वगैरह हैं कि नहीं उसको देखने के लिए, एंड हम नकल रिजिडिटी भी देखते हैं. परेक्टल एग्जामिनेशन भी हम कर सकते हैं टू डायग्नोस फॉर प्रोस्टैटिक एब्सेस एंड जेनिटेलिया का और ओरल कैविटी का भी जो इन्वेस्टिगेशन है वो करते हैं, ठीक है. सो फ्रेंड्स, दिस इज इट अबाउट टुडेस सेशन इन विच वी हैव डिस्कस्ड पायरेक्सी ऑफ अननोन ओरिजिन और फीवर ऑफ अननोन ओरिजिन. वी हैव डिस्कस्ड द डेफिनेशन, इट्स टाइप्स, और हम किस तरीके से इसकी डायग्नोसिस करेंगे.
आई होप आई मेड यू ऑल अंडरस्टैंड। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स और बैचमेट्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।